आज सुनेंगे परियों की कहानी। फूल परियां। एक बार की बात है, यूरोप के एक शहर में लोरा नाम की एक सुंदर सी लड़की रहती थी, जो कि अपने माता पिता के साथ एक बड़े ही सुंदर महल में रहती थी। उनके महल में बहुत से नौकर थे। लोरा का ख्याल एक नर्स रखती थी, जो लोरा की सुंदरता की बहुत तारीफ करती थी, जिससे लोरा बहुत घमंडी हो चुकी थी। वो अपने माता पिता के साथ हमेशा अपनी सुंदरता की बातें करती थी। एक दिन लोरा अपने बगीचे में घूम रही थी, जहां उसने बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों को बगीचे में देखा। उन सभी रंग बिरंगे फूलों को देखकर वो बहुत खुश हुई, जो कि बहुत ही अच्छे रंग से भरे हुए और सुगंधित थे। तभी उसने अपने महल के मुख्य गेट पर एक लड़की को खड़ा देखा, जो कि देखने में बहुत ही गरीब थी और उसके कपड़े भी पुराने और गंदे थे। ये देखकर लोरा ने उस लड़की को अपने गेट से जाने के लिए कहा। उस लड़की ने लोरा को कहा कि वो उनके बगीचे के सुंदर फूलों को देख रही है, लेकिन लोरा ने उस लड़की को फूलों को देखने से मना किया और भगा दिया। इसके बाद लोरा की नजर अपने बगीचे के कुछ गुलाब के फूलों पर पड़ी। वो गुलाब के फूलों के पास जाकर कहने लगी कि ये कितनी सुंदर है, इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी फूलों में बहुत छोटे आकार की चार परियां निकली, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थी। लोरा ने उन परियों की सुंदरता की तारीफ की, लेकिन उनमें से एक परी कहने लगी कि वो बहुत घमंडी लड़की है, जिसने अपने मुख्य गेट पर आई हुई उस गरीब लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया और उसे भगा दिया।